हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ क्लोरीन। रीजन कहता है कि फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है देन क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। देखिए बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन में ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज मेरा बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, जो एटॉमिक साइज होता है फ्लोरीन का मैं तो पता है स्मॉल होगा, तो इसका मतलब सेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, फ्लोरीन हमारा क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो एक सेल इंक्रीज होगी इसलिए साइज बढ़ जाता है। ठीक है, रीजन कहता है कि फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। नहीं बेटा, ये तो रीजन वैसे ही इनकरेक्ट लिखा हुआ, और रीजन एक्सप्लेनेशन तो वैसे है ही गलत, स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड है ना बेटा, वो स्ट्रॉन्गर ना होकर वीक होता है, क्योंकि इसके पास क्या लोन पेयर है, साइज छोटा है, तो ये पास पास होंगे, तो वैसे साइज छोटा होना चाहिए तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, पर ये आपस में रिपल्सन करते हैं साइज छोटा होने कारण। ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड वीकर होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, इसलिए इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, मतलब या फिर कहूँ इनकरेक्ट है। तो केवल पहली वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड को टिक कर दूंगा, ओनली सेशन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हियर।